इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये हो गए कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके हम उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है, उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज़ नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज़ किया है, वो खर्च नहीं हुआ। पैसा डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। 411 MLA को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करना उनका काम है। और जो लीडर बोलता है उसको एक थ्रेट, मेरे को परसों मोदी जी के भाषण में मैं कुछ भाषण किए तो मेरे को 4-5 कॉल्स आए, कोई ऐसी गंदी गालियाँ दिया, वैसी दिया, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया है, जो केस है वो देखेंगे। इससे पहले भी तुगलक पुलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलोर में करवाया सदाशिव नगर, कितना क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो, ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मैं तो हम कमज़ोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं, मैं तो इतनी कठिनाई देख के एक ही घर में मेरे बाप एक बचे थे, मैं एक बचा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के, लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियाँ देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है कि एक अगर शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है,
ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है, मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहाँ भी अपोजिशन लीडर 18 साल था, तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है डराने दो, वो बाद में की बात है, हम देखेंगे कि हम सिंपति नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, हर ईडी सीबीआई ये लगाते हैं, देखिए हमारा क्या हुआ, उन्होंने झारखंड के सरकार को ख़त्म करने का सोचा, क्या हुआ, उल्टा हमारे को जहां हमारे को 44 थे वो 48 हो गए, फिर एक आदमी बीमार था, प्रेजेंट 47 हो गए। क्यों करना ये एक्सपेरिमेंट, जब मजबूत सरकार है उसको गिराना, डराना, फिर उनको अलग रखना, ये चीज़ें वो करके आगे आना चाहते हैं, और कि हमको जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट कहाँ है, अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ